तो सुबह बनाई थी मैंने सूजी की इडली, तो ये जो मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इडली जो है वो बनानी थी, लेकिन फिर मैंने बनाई नहीं, तो अब इसका मैं बना दूँगी मिक्स्ड चीला, मिक्स्ड वेजिटेबल चीला। इसके अंदर जो भी मेरे पास सब्ज़ियाँ पड़ी है वो मैं करके फिर इसका मुझे यूज़ करना पड़ेगा। और हस्बैंड जो है उन्होंने फिर सुबह इडली सांभर खाया था, तो फिर अभी वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाएंगे, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। दो तरह की चीज़ें जो है वो आज घर के अंदर बनने वाली है, तो बस फटाफट से मैं एक बार खाने की तैयारी कर देती हूँ। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाली रेसिपी रोज़ क्यों बनाती है, तो ये जो रेसिपी है वो सबसे फेवरेट है मेरी, क्योंकि एक तो जल्दी बन जाती है, सेकंड थिंग बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है क्योंकि ढेर सारी सब्जियाँ इसके अंदर जाती है, दही जाता है, और थर्ड चीज़ कि आपको घर के अंदर बच्चे वगैरह सब खाना पसंद करते हैं। और ककड़ी जो है उसका यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि फिर चीला जो है वो काफ़ी ज़्यादा गीला गीला टाइप का बनता है। और उसके अंदर डालूँगी मैं ये कैप्सिकम, तो कैप्सिकम, टोमेटो और क्या निकाला है मैंने, ये करी लीव्स, क्योंकि करी लीव्स जो है ना वो चीले में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस ये सब चीज़ें निकाल दी है, धनिया निकाला है, ढेर सारा हरा धनिया डालूंगी क्योंकि फिर चीले में धनिया जो है उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो बस अभी जल्दी से मैं तैयारी कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, भिंडी मैंने ऑलरेडी चॉप करके रखी है, तो पहले सब्ज़ी बनाऊँगी, सब्ज़ी बनती रहेगी तब तक सब्ज़ियाँ जो है वो इस चॉपर के अंदर चॉप कर देती हूँ। वैसे तो भिंडी की सब्ज़ी जो है बहुत ही अलग अलग तरीके से बनती है, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल वे में बना रही हूँ। और सबसे पहले मुझे इसके अंदर डालना था हींग, तो हींग जो है वो एक छोटी डिब्बी के अंदर मैंने रोज़ यूज़ के लिए निकालती हूँ, तो वो निकाल रखा था, तो दो दिन से वो मैंने डिब्बी नहीं खोली, तो उसके अंदर थोड़ी सी फंगस लग गई थी, क्योंकि जो अभी आपको मैंने जो हींग की डिब्बी बताई ना मार्केट से, मेरे को उस तरीके का मतलब क्यूब शेप में मिला था हींग, तो मैं एक एक पीस जो है उसमें एक दो हरी मिर्ची के टुकड़े वगैरह डाल के रखती हूँ ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और फिर डालना मुझे ईजी रहेगा सब्ज़ी के अंदर। तो दो दिन से वो डिब्बी नहीं खोली, तो उसके अंदर फंगस लग गई थी, तो वो सारा हींग मुझे फेंकना पड़ा। तो बस अभी नया जो हींग मैंने डिब्बी में से निकाला है वो मैंने डाल के सब्ज़ी जो है फटाफट बना दी है। तो आपने देखा ही होगा बहुत ही नॉर्मल मतलब एकदम सिंपल वे में बनाई है, तेल डाल के राई, ज़रा हींग डाला, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली और फिर भिंडी और थोड़ा नमक और जो हल्दी है ना वो डाल के मैंने हिला के उसको ढक के रख दिया। और नमक और हल्दी जो है वो स्टार्ट में डाल देने से भिंडी की सब्ज़ी जो है वो एकदम चिकनी नहीं बनती है। तो बस ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी, जब भिंडी की सब्ज़ी आधी पक जाएगी तो फिर उसके अंदर मैं मसाले डाल दूंगी, और फिर मसाले डालने के बाद मैं फिर उस सब्ज़ी को मैं ढकूंगी नहीं, ताकि उसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत चिकनाई या पानी जो उसमें रिलीज़ होता है ना वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा और फिर एकदम बिखरी बिखरी सूखी सूखी सी सब्ज़ी बनेगी भिंडी की। और इधर जो भी मेरे पास में सब्ज़ियाँ थी वो मैंने फटाफट चॉप कर दी है, और सब्ज़ी के साथ में ही मैंने हरी मिर्ची, करी पत्ता उसको भी साथ में चॉप कर दिया, तो बहुत ही जल्दी से ना ये चॉपर से काम जो है ना वो एकदम आधा हो जाता है, और इसलिए मुझे ये रेसिपी अच्छी लगती है कि फटाफट से बन जाती है। और बस इधर भिंडी की सब्ज़ी जो है वो भी मेरी ऑलमोस्ट बनने ही आ गई है, मसाला खाली मुझे डालना बाकी है, तो मसाला डाल दूँगी। और डालने के बाद में मैंने आपको बताया ना कि इसको मैं सब्ज़ी को ढकूँगी नहीं, क्योंकि हल्की फुल्की सी सब्ज़ी कितना भी ध्यान रखते हैं ना लेकिन थोड़ी बहुत वो मतलब चिकनी हो जाती है, लेकिन हाँ मसाला डालने के बाद में यदि हम उसको नहीं ढकते हैं और गैस की आंच मीडियम कर देते हैं ना तो सारा पानी उसका सूख जाता है। और बस उसके बाद में मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा और नमक, ज़्यादा नमक नहीं डालूंगी क्योंकि इडली के बैटर में ऑलरेडी नमक था, थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर डाला है इसके अंदर ताकि थोड़ी सी चटपटी और स्पाइसी बनेगी, और डालूंगी ढेर सारा धनिया, तो धनिया से तो इन चीलों का जो फ्लेवर टेस्ट वगैरह है ना वो काफ़ी बढ़ जाता है। बैटल तैयार हो गया है, सब्ज़ी बन गई है, अब मैं एक बार आटा लगा दूंगी। और आटा जो है मुझे सिर्फ जिनसाप के लिए लगाना है, तो मैं बड़ी परात का यूज़ नहीं कर रही हूँ, एक छोटी थाली के अंदर ही आटा गूंथूंगी क्योंकि 3-4 रोटी का ही आटा मुझे लगाना है। मैं इधर किचन में काम कर रही हूँ और बच्चे जो है वो उधर अपना असाइनमेंट पूरे कर रहे हैं। वैसे तो बच्चों के वेकेशन्स हो गए हैं, लेकिन वेकेशन के अंदर स्कूल वाले कहाँ बैठने देते हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स जो है वो बच्चों को दिए हैं, तो मैंने बच्चों को यही बोला है कि आप स्टार्टिंग में ही सारे जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट कर दो, क्योंकि हमेशा ये सोचते हैं ना कि जब वेकेशन कंप्लीट होने आएंगे, स्कूल ओपन होंगे, उसके कुछ दिन पहले हम असाइनमेंट जो है वो पूरे कर लेंगे ना, तो फिर जल्दबाजी में ना तो असाइनमेंट पूरे होते हैं, और यदि हम कर भी लेते हैं ना तो जल्दबाजी में अच्छे नहीं बनते हैं। तो इस बार मैंने सोचा है कि बच्चों को जो भी स्कूल से असाइनमेंट मिले हैं वो थोड़ा थोड़ा
करके रोज़ अगर उनको कराती जाऊँगी तो उनका टाइम पास भी हो जाएगा और जो चीज़ मतलब जो असाइनमेंट है ना वो बहुत ही अच्छे से बन पाएंगे। और इधर बातों बातों में मेरा चीला जो है वो बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही वाइब्रेंट, उसके अंदर मतलब काफ़ी अच्छे कलरफुल से कलर उसके अंदर दिख रहे हैं चीले के अंदर, तो खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और आप एक बार मतलब आप लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते, वैसे तो आई थिंक सभी लोग अपने घर के अंदर इस तरह की रेसिपीज़ जो है वो ट्राई करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये ज़ीरो ऑयल में भी बन सकता है। अब ये जो आप क्लिप देख रहे हैं वो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, क्योंकि उसके बाद में मैंने कोई भी जो शूट वगैरह नहीं किया था। और मॉर्निंग में बच्चे उठे हैं, उठने के बाद में उनको बोला है कि उनके बिस्तर जो है वो खुद से फोल्ड करके रख दें, तो इधर देखो बच्चों के हाथ पैर जो है ना वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल जो है वो कुछ दिन ही ओपन हुए थे और फिर वापस से जल्दी से वैकेशन स्टार्ट हो गए थे। और अब जो है वो मैं किचन के अंदर बच्चों के लिए दूध बना के उनको उसको ठंडा करने के लिए रख दिया है, और इधर मेरी और जेंट्स साहब की बन रही है चाय। और शूटिंग जो है वो चालू थी, और उतनी देर में क्या हुआ कि मोबाइल जो है वो नीचे गिर गया, और पता चला कि जो ट्राईपॉड है ना, जहाँ पर ट्राईपॉड में ऊपर मोबाइल को लगाया जाता है ना, वो पार्ट पूरा जो है वो टूट के नीचे गिर गया था। मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई स्क्रू वगैरह ढीला हो गया होगा, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि वो ठीक हो जाए, लेकिन वो तो पूरा हाथ में निकल के आ गया था। फिर मैंने जेंट्स साहब को बुलाया कि आप एक बार देख लो कि अगर वो सही हो जाता है, लेकिन जब उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर अपने हाथ ऊपर कर दिए कि नहीं भाई अब ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, ये टूट गया है। तो बस सुबह सुबह फिर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान हो गया था, क्योंकि उसके बिना तो जो वीडियो है ना वो मेरे वैसे मेरे पास में दो ट्राईपॉड है, एक छोटा और एक बड़ा, तो छोटे वाला जो उसकी टांग तो ऑलरेडी टूटी हुई थी, मैंने आपको बताया था, और आज उसका मुंह भी टूट गया। तो अब पता नहीं किस तरीके से मेरे जो शूटिंग जो है वो पूरी तरह से हो पाएगी, क्योंकि बड़ा वाला जो है जब किसी डिस्टेंस से मुझे शूटिंग करनी होती है तब मैं वो बड़े वाले को यूज़ करती हूँ, लेकिन जब पास में कोई क्लिप अगर बतानी है ना, जैसे कि रेसिपी वगैरह कुछ शूट करनी होती है, तो इस छोटे वाले ट्राईपॉड का यूज़ होता है। तब देखते हैं आगे क्या होता है। और इधर घड़ी का जो सेल है वो कल रात को ही ख़त्म हो गया था, मतलब शायद 8:30 या 9 बजे के करीब घड़ी जो है वो चलना बंद हो गई थी। और सुबह उठ के 10 बार जब भी घड़ी देखती हूँ तो हर टाइम मुझे वो 8:30 और 9:15 बजती हुई दिख रही थी। तो अभी बस जैसे ही चाय वगैरह पी तो मैंने सोचा हाथों हाथ सेल भी लगा दूँ। तो ये कल वाटरमेलन लेकर आए थे, और वाटरमेलन जो है वो बाहर से दिखने में तो काफ़ी अच्छा था, अंदर से भी अच्छा ही था, लेकिन वो एकदम जो टाइटनेस होनी चाहिए ना, मतलब वैसा नहीं था, एकदम थोड़ा सा अंदर से ऐसा गीला गीला सा निकला था। ये तो जो इस तरीके का जो वाटरमेलन होता है ना वो फिर खाने का मन नहीं होता है, लेकिन हाँ उसको मैं इसको फेंक भी नहीं सकते हैं, लेकिन क्योंकि टेस्ट में ख़राब नहीं था, बस ये कि जो पीस एकदम जो टाइट से रहने चाहिए ना वैसे नहीं थे, थोड़ा सा अंदर गीला गीला टाइप का था, तो इस तरीके का खाने का मन नहीं है। तो फिर सोच रही हूँ कि अभी इसका वाटरमेलन का जूस बना देती हूँ। अच्छा अब ये बिल्कुल मत सोचना कि चाय के जस्ट बाद में मैं वाटरमेलन का जूस बना रही हूँ और उसको हम पियेंगे, ऐसा नहीं है। चाय वाय पीने के बाद में तो मैंने थोड़ा बहुत काम किया था, किचन के अंदर लंच वगैरह की तैयारी करी थी, और कुछ देर हमने बैठ के बातें भी करी थी, और उसके बाद में अब जेंट्स साहब शॉप पर जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि ठंडा ठंडा सा जो ये वाटरमेलन का जूस है वो बना देती हूँ। तो बस उसी की मैं फटाफट से तैयारी कर रही हूँ। और वाटरमेलन का जूस तो वैसे आप लोग सब घर के अंदर बनाते ही होंगे, लेकिन एक बार मैं रेसिपी आपके साथ में शेयर कर देती हूँ जिसने कभी पहले बनाया नहीं है। जो वाटरमेलन है उसको छोटे छोटे से पीस में मैंने पहले कट कर दिया, और उसके बाद में थोड़े थोड़े से पीस डालकर उसको ग्राइंड किया गई थी। एक बार में आप ज़्यादा पीस डाल देंगे ना तो फिर वो फंस जाएंगे, और फिर जो ग्राइंडर है ना उसके अंदर अच्छे से वो ग्राइंड नहीं होंगे। तो थोड़े थोड़े से पीस डालते जाना है और उसको ग्राइंड करना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट पानी ही होता है वाटरमेलन के अंदर। और लास्ट में जो ऊपर का पल्प बच जाता है ना, तो उसका जूस जो है वो अच्छे से मतलब अंदर नीचे स्टैन नहीं हो रहा था, तो उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के फिर से एक बार मिक्सर ग्राइंडर में चला दिया, तभी जल्दी से सारा जूस जो है वो निकल जाएगा। और वैसे मैं जो फ्रूट्स है उसको ऐसे ही खाना ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, इस तरह से जूस बना के ले पीना कम पसंद करते हैं, लेकिन आज जो वाटरमेलन इस तरीके का था ना तो किसी का भी मन नहीं था, इसके लिए मैंने जूस बना दिया। तो बस ठंडा ठंडा सा वाटरमेलन का जूस बनकर तैयार है, और लास्ट में मैंने डाला है थोड़ा सा काला नमक, वैसे मैंने पहले डाल दिया था लेकिन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। अभी जल्दी से ग्लास के अंदर मैं सर्व कर दूँगी, थोड़ा सा उसको गार्निश कर दूँगी, ताकि पीने में तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, लेकिन दिखने में भी तो चीज़ अच्छी लगनी चाहिए ना। तो मेरी ये वाटरमेलन की रेसिपी आपको कैसी लगी, चीले की रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये नीचे का जो थोड़ा सा जूस बचा है ना उसको मैं फेंक दूंगी, क्योंकि उसके अंदर थोड़े थोड़े से बीज जो होते हैं ना तरबूज के, वो थोड़े से ग्राइंड हो ही जाते कितना भी ध्यान रखती हूँ, तो उसको मैं फेंक दूंगी। तो अभी हम सब लेंगे वाटरमेलन जूस का आनंद, और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी रेसिपीज कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, ज़रा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ठंडा ठंडा सा वाटरमेलन जूस।